एमएस धोनी के बाद अब टीम इंडिया के लिए एक अच्छे फिनिशर की तलाश खत्म होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इंडियन टीम को एक नया सुपरस्टार मिल चुका है जो कि आने वाले समय में इंडिया के लिए मैचेस फिनिश करता हुआ नजर आ सकता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं असम के युवा बल्लेबाज यानी कि रियान पराग की, जो कि इस समय सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेलते हुए धमाल मचा रहे हैं। उनके प्रदर्शन की बात की जाए तो अब तक खेले गए 8 मैचेस में रियान पराग ने लगभग 122 की औसत से 490 रन बनाए हैं और इसी के साथ वो टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन चुके हैं। बल्लेबाजी के अलावा अगर रियान पराग की गेंदबाजी की भी बात करें तो अब तक वो इस पूरे टूर्नामेंट में 11 विकेट्स भी चटका चुके हैं। ऐसे में कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि आने वाले समय में रियान पराग इंडियन टीम में फिनिशर की भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। और बेहद कम लोग ये बात जानते होंगे कि रियान पराग एमएस धोनी के एक बहुत बड़े फैन हैं और उन्होंने इस बात का जिक्र कई बार किया है कि वो आने वाले फ्यूचर में एमएस धोनी की जगह टीम इंडिया में लेना चाहते हैं और इंडियन टीम के लिए कई बड़े मैचेस फिनिश भी करना चाहते हैं। अब इस बारे में आपकी क्या राय है, कि आपको भी लगता है कि एमएस धोनी की जगह टीम इंडिया में रियान पराग ले पाएंगे? आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही वीडियोस के लिए क्रिकेट ज्ञान को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।